यीशु कहते हैं जिसके कान हो वह सुन ले, वो एक्चुअली इन कानों की बात नहीं कर रहा, वो एक्चुअली ये देखना चाह रहा है आपका दिल कहाँ। कई अपने पास वाले से वर्षित देखते नहीं है, वर्षित करते हैं। वो चाहता है कुछ पहाड़ों पे चला जाए, पर वो चाहता है कुछ पहाड़ों से बात की जाए। हर पहाड़ से बात नहीं की जाती, कुछ पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता है और कुछ पहाड़ों पे चढ़ा नहीं जाता, कुछ पहाड़ों से बात की जाती है। कितने लोग हैं यहाँ पर जो चाहते हैं आपकी मरी हुई चीजों में जिंदगी आए, आपकी मरी हुई चीजों में जीवन आए। मैं आपसे हर एक को कहना चाहता हूँ, भविष्य वक्ताओं का इंतजार मत करिए, खुद भविष्यवाणी करना सीखिए। मैं पास्टर, मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमें इंतजार करना चाहिए कि परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता है वो हमें बनाए। सच्चे नबियों को सलाम करता हूँ जो खुदा को नाम देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने लोगों के शब्दों का आदर करता है। मैं आपको सच कहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, इस 2024 में द ग्रेटेस्ट लेसन जो आपको सीखना चाहिए ना वो ये है, जो मेरी फीलिंग्स मुझे कहेगी मैं वो नहीं कहूंगा, मैं वो कहूंगा जो बाइबल। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं, आज अपने शब्दों के महत्व को समझे। बाइबल कहती है एक समय था जब इज़राइल के लोग जो थे वो पूरी तरह से यहां वहां हो चुके थे, खुदा ने उन्हें तितर बितर कर दिया। उन्हीं दिनों में बाइबल बताती है गॉड रेज्ड अ मैन कॉल्ड यहजकेल। जब परमेश्वर यहजकेल को उठाता है और बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसे एक दर्शन दिखाता है, कहिए दर्शन, प्रभु उसे दर्शन दिखाता है और उस दर्शन के अंदर परमेश्वर उसे दिखाता है कि सूखी हड्डियां, एक बहुत बड़ी आर्मी थी, एक बहुत बड़ी सेना थी जो सूखी हड्डियों में तब्दील हो गई थी। और परमेश्वर उस आर्मी को पता है कैसे उठाता है, भविष्यवक्ता के शब्दों से। परमेश्वर उसे ये नहीं कहता है तू हट जा, मैं इन सब लोगों को ठीक कर दूंगा। परमेश्वर कहता है नो, तू भविष्यवाणी कर, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने बहुत कुछ आप पे रखा है। कुछ चीजें परमेश्वर खुद करेगा, लेकिन कुछ चीजें परमेश्वर तब तक नहीं करेगा जब तक आप उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप उसके साथ सहयोग नहीं करेंगे। परमेश्वर जो सहयोग चाहता है बहुत ही अलग तरह का सहयोग, वो चाहता है कुछ पहाड़ों पे चढ़ा जाए, पर वो चाहता है कुछ पहाड़ों से बात की जाए। हर पहाड़ से बात नहीं की जाती, कुछ पहाड़ों पे चढ़ना पड़ता और कुछ पहाड़ों पे चढ़ा नहीं जाता है, कुछ पहाड़ों से बात की जाती है। बाइबल बताती है जब यीशु उस पहाड़ पे गए तो जो लोग उनको सुनना चाहते थे उस पहाड़ पे चढ़ के गए, पर उसी यीशु ने हमें यह भी सिखाया कि जो कोई उस पहाड़ से कहे कि तुम उखड़ जाओ और समुद्र में जा पड़ो, वो तुम्हारी बात मान लेगा। आमीन। मैं चाहता हूं मैं बहुत फास्ट प्रीच कर सकता हूं, लेकिन मैं स्लोली करूंगा ताकि आप समझ पाए। मेरे पीछे कहिए, कुछ पहाड़ों से बात करनी पड़ती है और कुछ पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है। वेरी गुड। आज मैं आपको बताना चाहता हूं बात करने का विषय, आप क्या बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। आप सब तैयार हैं? बाइबल कहती है यहजकेल की किताब के अंदर परमेश्वर यहजकेल को एक दर्शन देते हैं जिसमें वो सूखी हड्डियों की तराई दिखाते हैं। तराई का मतलब होता है खाई। और परमेश्वर यहजकेल को कहता है इन हड्डियों से बात कर,
हिंदी में लिखा है, हे मनुष्य के पुत्र उन सूखी हड्डियों में बात कर। और जैसे जैसे यह हजकल की किताब में लिखा है वो बात करने लग गया, बात करने लग गया, बात करने लग गया। वचन कहता है उन हड्डियों में मांस चढ़ना शुरू हो गया। कितने लोग हैं यहां पर जो चाहते हैं आपकी मरी हुई चीजों में जिंदगी आए, आपकी मरी हुई चीजों में जीवन आए। मैं आपके से हर एक को कहना चाहता हूं, भविष्य वक्ताओं का इंतजार मत करिए, खुद भविष्यवाणी करना सीखिए। डोंट वेट फॉर प्रॉफिट्स। आजकल का प्रॉफिट आपके बारे में कम, आपके मोबाइल के नंबर ज्यादा बात करें। हमारे भविष्य वक्ताओं की सेवकाई बहुत बदल चुकी है। पहले के भविष्य वक्ता लोगों को खुदा की तरफ फेरते थे, आज के भविष्य वक्ता चर्च को संसार की तरफ फेर रहे हैं। आजकल की भविष्यवाणियां क्या है? आप अमेरिका कब जाओगे, लंदन कब जाओगे, आपकी शादी किससे होगी, आपको वीजा मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कितने आगे जाने वाले। शो मी इन द बाइबल जहां पर लोग इस तरह बात करते थे, कभी भी नहीं। पहले के लोगों के सामने खड़े होकर भविष्यवक्ता कहते थे कि हमें खुदा की तरफ फिरने की जरूरत है। मैं इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हर भविष्यवक्ता खुदा की तरफ से नहीं होता। मैं आपको ब्यूटीफुल किस्सा बताऊं? हाँ, रिस्पॉन्ड करिए, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, मैं पास्टर बने हुए 5 साल हुए। मुझे पास्टर बने हुए कितने साल हुए? 5 years। इससे पहले I was an evangelist। मैं मसीह में आने के 14 साल के बाद पास्टर बना। मुझे बहुत लोग कहते थे पास्टर बनो, काम छोड़ दो। फिर मैं उनको बोलता था मेरे घर का खर्चा दो, फिर कुछ बोलते ही नहीं थे। फिर बोलते थे नहीं नहीं आपको जो ठीक लगता है आप करो। एक दिन मैं एक जगह पे था, मुझे 10 दिन का बच्चा हाथ में दिया गया। उन्होंने कहा पादरी साहब इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने कहा क्या प्रार्थना करनी है? बोला इसके लिए प्रार्थना करो कि ये बहुत 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 आगे जाए। मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा इसका नाम बताओ। उन्होंने नाम बताया, क्या बताया? नबी योएल। मैंने कहा क्या? नबी योएल। मैं बच्चे को हाथ में लेके उसके ऊपर में हंस रहा था। मैंने कहा मैं धक्के खा खा के पास्टर बनूं, तू 10 दिन में नबी बन गया, तुझे और क्या चाहिए? आप डिसाइड करोगे आपका बच्चा नबी बनेगा। मैं पास्टर, मैं ये मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें इंतजार करना चाहिए कि परमेश्वर जो हमें बनाना चाहता है वो हमें बनाए, ना कि हम अपनी मर्जियों से कुछ भी बन जाए। आजकल प्रॉफिट बनना भी एक फैशन में आ गया, आपको पता है? कॉल मी प्रॉफिट, कूल। कुछ लोग है ना सोचते हैं प्रॉफिट बनना। चलिए मैं आपको कुछ और सच्चाई बताऊं, बुरा नहीं मानेंगे? ओके, जिसको बुरा लग रहा है मैं खुदा का शुक्र करता हूं, लगना भी चाहिए। कहिए जहां गड़बड़ होती है वहां बुरा लगता है, ठीक है? बोलो सब ऐसे करो, ऐसे जैसे मैंने किया, करो ना भाई, सब करो, बीआई क्यों करो? अब ऐसे करो, बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं? कहिए जो व्यक्ति प्रॉफिट के पीछे नहीं है वही असली प्रॉफिट है। आजकल का प्रॉफिट प्रॉफिट बहुत ढूंढता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं फॉल्स प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं। मैं सच्चे नबियों को सलाम करता हूं जो खुदा का कलाम लेके आते हैं। आमीन। आप भविष्यवाणी जो मैं बोल रहा था, आप भविष्यवक्ताओं का वेट क्यों करते हो? कुरिन्थियों की कलीसिया में एक भविष्यवक्ता नहीं था तो भी पॉल उन्हें कहता है भविष्यवाणी करो।
क्या मतलब होता है प्रोफेसी का? भविष्यवाणी का मतलब होता है आप वो कह रहे हो जो आप भविष्य में देखना चाहते हो. दैट्स कॉल्ड प्रोफेसी. हम जो देखते हैं हम वो बोलते हैं. खुदा जो देखना चाहता है वो बोलता है. परमेश्वर को ज्योति चाहिए थी, उसने ये नहीं कहा अंधेरा है, उसने कहा ज्योति हो जाए और हो गई. मैं आपके से हर एक को कहना चाहता हूं, आप क्या देखना चाहते हैं वो बोलिए, जो आप देख रहे हैं वो मत बोलिए. दैट्स अ प्रोफेसी. इसे कहते हैं भविष्यवाणी. मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं एक कल की. कल मैं दिल्ली में था, प्रभु के अनुग्रह से करोल बाग में मेरी कलीसिया. कल मेरी फ्लाइट मिस हो गई सुबह. हम लोग की फ्लाइट कल मिस हो गई थी, मेरी फ्लाइट चली गई. अब मुझे पीछे कोई और फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंचना था. मुझे 8 बजे तक कैसे भी करके हॉल में पहुंचना था. आप विश्वास कीजिए 7:45 तक मैं फ्लाइट में था. और जो मेरा नंबर था वो था 37. मतलब 36 लाइन जब तक खाली नहीं होंगी तब तक 37 आगे नहीं पड़ेगी. दरवाजा पीछे वाला बहुत बार नहीं खोलते हैं, आगे वाला खोलते हैं क्योंकि ब्लॉक सामने से आता है. मुझे पता था 7:45 यहां पर मैं प्लेन पे बैठा हूं. अब मुझे बाहर निकालेंगे, बाहर निकलने के बाद मुझे सामान लेना है, फिर ट्रैफिक क्रॉस करनी है. मुझे 9 बज जाएंगे तब तक चर्च पूरी हो जाएगी. पता मैंने क्या किया? शायद आपको लगेगा ये मजाक है, बट ये मजाक नहीं, ये सच है. मैं सब करता हूं कई बार. अब सब लोग हाथ में एक बैग लेके खड़े हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो. मैंने अपना मुंह फेरा और मैंने कहा प्रभु पीछे वाला दरवाजा कुछ भी हो जाए खुल जाए. अब बिल्कुल पीछे वाले दरवाजे के बाजू में था. एयर होस्टेस खड़ी होती है और कहती है पीछे वाला दरवाजा खुल रहा है, कृपया वो लोग वहां से जाए. मैं पीछे से उतरा हूं पकड़ के, बस पकड़ी. विश्वास कीजिए 7:45 में चर्च में था. और आप बिलीव कीजिए दिल्ली के रास्ते इतने ज्यादा ट्रैफिक से भरे हुए रहते हैं. मैं रास्ते में वो गाड़ी चला रहा था, मैं बोलते बोलते आ रहा था हट जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम में, हट जाओ मैं चला जाऊं बाप में सब आ जाना अभी हट जाओ. और खुदावन रास्ते क्लियर कर रहा था. शायद आपको लगेगा ये सब मजाक है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर अपने लोगों के शब्दों का आदर करता है. He honors the word. हमें से कुछ लोगों ने हमेशा मेहनत करके जिंदगी जी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेहनत के साथ फेथ भी जरूरी है. हालेलुया. कितनी बहनें हैं यहां पर बैठो बैठी हैं जब आपके बाल चढ़ते हैं. मैं जानता हूं आजकल सिस्टर्स में ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज होती है जब आपके बाल गिरने लग जाते हैं और आप देख रहे हो कि बाल कम होते जा रहे हैं. कितनी बहनें हैं यहां पर मुझे बताइए जो खड़े होकर कहती हैं प्रभु आज मैं भविष्यवाणी करती हूं आने वाले दिनों में 4 गिरेंगे तो 8 आएंगे. मेरे अकेले के बाल झड़ते हैं कि आपके भी झड़ते हैं? झड़ते हैं ना. टेंशन होती है ना कभी कभी कि मैं टकली होने वाली हूं. सच बताओ कितनी बहनें हैं अपने बालों के लिए भी प्रोफेसी करती हैं कि आने वाले दिनों में मुझे इतने सारे बाल होंगे मैं लोगों को उधार दूंगी. टेल मी हमने बोलने वाले लॉक नहीं सीखा. You should learn today. आज आप सीखिए. मैंने वचन अभी शुरू नहीं किया है, मैं 2 मिनट के बाद करूंगा, लेकिन प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं आज के वर्ड को बहुत सीरियसली लीजिए. लेंगे सर? पक्का? हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ खोलिए. 1
पीटर चैप्टर 3, पहला पत्रस उसका 3 अध्याय। सब मेरे साथ बोलिए, पहला पत्रस 3 अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3। Shall I read for you? मैं पढ़ूं आपके लिए? Start करें? Yes. मैंने पहले ही कहा, respond करी। Yes. Good, good. 3 अध्याय और उसका 10 वचन। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, आई थिंक आपको किसी की याद आ गई होगी, कोई बात नहीं, इशू लेके आए बातचीत, और अच्छे दिन देखना चाहता है वह क्या करे? 40 दिन के उपवास में जाए। इज दिस रिटन? लिखा है? चलो मैं फिर से पढ़ता हूं। जो कोई अच्छे दिन देखना चाहता है और जीवन की इच्छा भी रखता है, तो 10 दिन का रोज अन्य भाषा में बात करें। नहीं लिखा है ना? गुड गुड गुड, अच्छी बात है। मुझे लगा किसकी किस में लिखा है। चलिए अब ओरिजिनली पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जुबान को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वाह, व्हाट अ वर्ड फॉर अवर जनरेशन। आइए सब सामने देखिए। मैं चाहता हूं बहनों भाइयों, आप अपना बाइबल है ना पीछे ड्रॉप कर दो। आइए सब सामने देखिए, मैं भी आपके साथ पढ़ कर दूं। सुन, यहां देखिए, आप जानते हैं शैतान आपको परेशान करने की कोशिश क्यों करता है? क्यों वो आपको स्ट्रेस में लेके जाने की कोशिश करता? उसका मेन कारण पता है क्या है? शैतान चाहता है आप अपने जीवन के ऊपर गलत नबूवतें करें। शैतान चाहता है कि आप अपने लाइफ के बारे में रॉन्ग प्रोफेसियां करें। जो आप सोचते हो वो आप बोलते हो, और जो आप बोलते हो वो आप बनते हो। अगर आपने सोचा ही गलत तो आप बोलेंगे भी गलत, और अगर आप बोलेंगे भी गलत तो आप बनेंगे भी गलत। बहुत बार शैतान आपको इसीलिए इरिटेट करने की, इरिटेट को हिंदी में कहते हैं डिस्टर्ब या परेशान करने की कोशिश करता है, ताकि आप अपने जीवन के ऊपर गलत नबूवत करें, गलत प्रोफेसियां करते जाए। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने लाइफ में अपने ऊपर ऐसी ऐसी गलत बातें कही हैं जो उनकी जिंदगी में, यू नो, शैतान ने बाइबल पढ़ी है, उसे पता है कि प्रभु ने अपने वचन में कहा है कि मनुष्य अपने होठों के शब्दों का फल भोगता है। आप जो भी कहेंगे ना, याद रखिए वो होगा। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप ये लाइन भी समझ गए ना, और अगर आप यहां से ये लाइन लेके भी चले गए ना, यू आर ब्लेस्ड। अगर ये लाइन, जो कुछ आप कहते हो वो आपके लिए होगा। अब आप सोचो आप क्या बोल रहे हो। अंधकार को अंधकार बोलने से अंधकार जाता नहीं है, इसीलिए खुदा ने नहीं कहा अंधकार है, उसने कहा ज्योति हो जाए। कुछ लोगों को आदत है अपनी प्रॉब्लम को बार 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 बोलने,
कोविड 19 जब आया, कोविड उतना जल्दी नहीं फैला जितना उसे हमने फैलाया, यू नो, बहुत लोगों तक कोविड पहुंचा भी नहीं, लेकिन घर घर उसकी चर्चा थी, ओ कोविड आ गया है, क्या है चाइनीज वायरस है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे। आप जानते हो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोविड कभी भी नहीं हुआ, इवन स्टार्टिंग में 1.5 साल तक तो मुझे भी नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं इस चीज को, आपकी बातें ट्रैवल करती है। बाइबल कहती है राजा को घर में बैठ के भी कर्ज मत करना, श्राप मत देना, कहीं उड़ता हुआ परिंदा तेरी बात सब पे प्रकट न कर दे। समुपदेशक ने लिखा। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं बाप रे मैंने क्या कर दिया, पता नहीं मेरी जिंदगी का क्या होगा, कोई मुझसे बात नहीं करता। पता है क्यों बात नहीं करता, क्योंकि जो कुछ आप कहते हो ना वो लोगों तक पहुंचता है और आपके रिश्ते खत्म हो गए। आप याद रखिएगा जो कुछ भी आप कहोगे ना वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करते। ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी जुबान को पकड़ के रखें कुछ जगहों पे, एकदम शांत रहने में। बाइबल कहती है जुबान के वश में जिंदगी और मौत है, जो कुछ आप कहोगे आपके लिए वही होगा। मैं रिसेंटली 6 महीना पहले एक आंटी से मिला, उन्हें कैंसर है, लेकिन इतना वैसा वाला कैंसर नहीं है कि वो बच ही नहीं सकती। मैं उनसे मिला, मैंने कहा आंटी क्या बात है, सूरज मुझे कैंसर हो गया। मैंने कहा आंटी आप ठीक हो जाओगे, मुझे नहीं लगता, मैंने अपने बच्चों को सबको बोल दिया है मेरे जाने के बाद ना लड़ना नहीं है। मैंने कहा वाह वेरी गुड आंटी, हम ये भी जानते भी नहीं है कि क्या होगा, मैंने अपने बच्चों को अभी से समझाना शुरू कर दिया है, लड़ना मत, पैसों के बारे में भी लड़ना मत, सब बंधन के चलना, झगड़े मत करना, लड़ाइयां मत करना। मैं सोच रहा था प्रभु इनका पूर्ण विश्वास है कि मरे। एक बहन ने कॉल किया मुझे, ब्रदर थर्सडे के दिन मैं संडे को चर्च नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा क्यों दीदी क्या प्रॉब्लम है, थर्सडे को कॉल करके मेरी बहन बोल रही है मैं संडे को नहीं आ पाऊंगी। मैंने कहा क्यों क्या हो गया, मुझे बुखार है। मैंने कहा मतलब पूरा विश्वास है 3 दिन चले। आप सोचो लोगों ने क्या क्या थाम के रखा। आप क्या बोलते हैं अपने लिए मुझे बताइए, आप अपने हालातों के लिए क्या बात करते हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में क्या बोलते हैं मुझे बताइए। कभी कभी कुछ बहनें बच्चे मांगती हैं, जब बच्चे मिल जाते हैं तो बोलती हैं आफत। कुछ बहनें तो बच्चों को बोलती है शैतान है, ये नहीं शैतान, रुको 2-4 दिन सीन भी आएंगे, जस्ट वेट 2-4 दिन रुको, इधर क्यों नौकीले दांत बाहर निकलेंगे उसके ड्राई कूलर। कृपया अपने बच्चों को कर्ज करना बंद करें। कहिए मेरे पीछे कहिए, मैं आज के बाद बच्चों को श्राप नहीं दूंगी, मैं उन्हें आशीष दूंगी, क्योंकि वो आशीष के वारिस हैं। यस आमीन। कई बच्चे जब बिल्कुल भी, बेटा तू इधर कम, अरे उसको नहीं तुझे बुला, तू डर रही है, इधर आजा तुझको दिखाना चाहता हूँ, आजा आजा स्वागत है। कैसे आ, ये क्या लग रही है, किसी नजर ना लगी। क्या नाम है जी आपका? सुनिधि। अच्छा, सो स्वीट एक्चुअली। समझो अगर ये बच्ची स्कूल में कम मार्क्स लेके आती है तो आपको कैसे ट्रीट करना चाहिए उसे। कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं इन दिनों, हाथ तो उठाओ,
वेरी नाइस। कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? 10 के नीचे नीचे वाले कर रहे हैं। समझो ये बच्ची कभी मार्क्स कम लेके आती है तो आपको क्या करना चाहिए? सुनिए, यहां देखिए आप, डरिए मत बेटा। कैसे बात करनी चाहिए सुखी से? अगर वो कम मार्क्स लेके आई, बाप पे गई है, तू बाप पे, तेरा बाप भी नहीं पढ़ा, तू भी नहीं पढ़ी, आपको लगता है ये पढ़ पाएगी? आगे अभी डर रही हो, मुझसे ही डर रही हो, मैं तो तू बोल भी नहीं रहा। कई सारी बहनें एक्चुअली पति और सास का गुस्सा बच्चों को होता है। मैंने कहा था रात भर बैठती थी, पढ़ाई नहीं करती थी छोकरी। क्या करूं, तेरा आचार डालूं? अब आप मुझे बताइए, ये बच्चा मेहनत करेगा? इतने शब्द कड़वे हैं। जब भी आपके बच्चे कम मार्क्स लेके आते हैं ना, आपको पता है क्या करना चाहिए? ये देखिए बेटा, यहां देख, अपन है ना अगले साल और ज्यादा मेहनत करेंगे, है ना? देखो हाँ बोल रहे, मतलब तू नहीं पढ़ती है। ट्रीट योर किड्स इन अ गॉडली वे। अपने बच्चों को ईश्वरीय तरीके से पढ़े करिए, मैंने कर्ज मत करिए। आपको नहीं पता है आने वाले दिनों में ये जो बच्ची है ये आराधक है। आमीन। हाँ, ये मत समझो कि सिर्फ यही पापा की परी है। एक बहन ने कहा ये पापा की परी है, तो मैंने कहा हम क्या माँ के मगरमच्छ हैं? ये किसका क्रूस है? उठा लीजिए, ये आपकी बच्ची है? किसकी बच्ची है? आप उठाइए बेटा। मम्मी कौन है आपका? बाहर बैठी है। वाओ, क्या मस्त विश्वास से भरी हुई माँ है, बच्चे को छोड़ दिया। हालेलुया, कहिए आज के बाद मैं बच्चों के लिए कभी श्राप नहीं कहूंगा। अब आइए, मैं विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं, जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई करते हैं। मुझे बताइए आपकी पढ़ाई के बारे में क्या बात करते हैं? अरे देखना, पेपर बहुत टफ निकलने वाला है, ऐसा ही है। क्योंकि आप कह रहे हो देखना ये सब्जेक्ट में तो जाऊंगा, आप क्यों बोल रहे हो ये सब? Why? The emotions of your body controlling you. आपका बदन आपको कंट्रोल क्यों कर रहा है? उन 10 कोड़ियों को देखो, यीशु मसीह उनसे मिला, यीशु ने, उन्होंने क्या कहा? हे यीशु हम पर दया कर। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। एक्सक्यूज मी लॉर्ड, पहले उनको ठीक तो करो। आप जानते हो ये बाइबल का ऐसा केस है जिसमें यीशु ने किसी को चंगा भी नहीं किया। एक्चुअली यीशु को पहले उनको चंगा करना था, ठीक करना था, उसके बाद कहना था कि जाओ याजक को दिखाओ। याजक ही परमिशन देते थे, अब तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम जाओ नगर के अंदर, क्योंकि कोढ़ की बीमारी थी। लेकिन यीशु ने क्या कहा? जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। प्रभु आपने उनको चंगा थोड़ी किया है अभी तक। आप जानते हो वो चंगे भी नहीं हुए थे, फिर भी वो चल दिए, और बाइबल बताती है चलते चलते वे चंगे हो गए। आपकी फीलिंग्स आपको कंट्रोल न करने पाए। हालेलुया, कहिए मेरी भावनाएं मुझे नहीं चलानी चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, इस 2024 में द ग्रेटेस्ट लेसन जो आप लोग को सीखना चाहिए ना, वो ये है, जो मेरी फीलिंग्स मुझे कहेंगी मैं वो नहीं कहूंगा, मैं वो कहूंगा जो बाइबल कहती है। आई विल स्पीक व्हाट द बाइबल सेज। कभी ये ना कहिए मैं नहीं कर सकता, ये कहिए जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मैं सीए बन सकता हूं, मैं सीएस बन सकता हूं, मैं आईपीएस ऑफिसर बन सकता हूं, मैं इनकम टैक्स में जॉब कर सकता हूं, मैं पुलिस ज्वाइन कर सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर जो मुझे सामर्थ देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं।
आजकल बहुत सारे लोग अपने लिए रॉन्ग प्रोफेसियां करते हैं। कुछ लोग की शादी नहीं हो पाती है, डर के सामने खड़े हो जाते हैं। छत्तीस तक भी नहीं हुई है, अब कौन मिलेगा? फिर वो बोलना चालू कर देते, अरे क्या हुआ आपका शादी नहीं हुआ? नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसमें क्या है, प्रभु का भी नहीं हुआ। एक ने तो ऐसा कह दिया, बोला प्रभु ने भी नहीं किया। मैंने बोला यार एक नए नए रेवलेशन लाते किधर से? अपने लिए रॉन्ग प्रोफेसियां करना बंद करो, स्पीक लाइफ, अपने लिए जीवन बोलो, अपने भविष्य के लिए लाइफ स्पीक, स्पीक लाइफ हर चीज के लिए। आज से आपके बोलने के तरीके बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सामने ध्यान सुनिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक समय था जब मिस्र से निकलकर इसराइल के लोग कनान जा रहे थे। प्रभु के लोग बहुत सालों तक गुलामी में थे, और जब वो वहां से निकलकर, बाइबल बताती है, वो कनान की तरफ जा रहे थे, खुदा के पाक कलाम में लिखा है वो शहर कुछ सिटीज से होकर भी गुजर रहे थे। वहीं पर एक अमालेकियों का राजा था जिसका नाम था बलाक। वो जानता था कि तलवार और बहुत सारे हथियार से मैं इनका सामना नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत, आपको पता है उसने क्या किया? बाइबल बता दी है, उसने एक नबी को बुलाया जो प्रभु का नबी था, और उसने प्रभु के नबी को कहा, मैं चाहता हूं तू इनको कर्ज कर, तू ने श्राप। अब जानते हो भाइयों बहनों, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि अविश्वासी लोग हमसे ज्यादा शब्दों की ताकत को पहचानते, लेकिन हम नहीं जान पाए। एक किंग को पता है कि मैं इन्हें नहीं मार पाऊंगा जब तक कि वीक ना पड़े। वो बलाम को कहता है, सर कम एंड कर्स देम, आप मेरे लिए उनको कर्स करो। और आप सभी जानते हो बलाम ने क्या किया। बलाम खुदा के पास गया और कहता है, लॉर्ड शलाय को मैं जाऊं वहां पर? परमेश्वर ने कहा, नहीं, तू उन्हें कर्स नहीं करेगा, क्योंकि मैंने उन्हें आशीष दी है। उस जनरेशन को, उन लोगों को तू कर्स नहीं कर सकता जो ऑलरेडी आशीष के वारिस हो चुके हैं। आप जानते हो, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं। यीशु मसीह ने आपके सारे श्रापों को लकड़ी में तोड़ा है। आप जानते हो, आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है, लेकिन आप चाहो तो आप अपने लाइफ में श्रापों को ले आ सकते हो। There's no curse, गिलातियों में लिखा है, जो काट पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को उठाया और उसने वहां पर सब खत्म किया। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, बिलीव मी। एक व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास किया है, पश्चाताप किया है और वो यीशु के साथ चलता है, अपनी जिंदगी उसके वचन के अनुसार चलता है, बाइबल बताती है उसके ऊपर कोई श्राप नहीं है, वो आशीषों का वारिस है। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, जैसे इसराइलियों के लिए भी कोई कर्ज नहीं था। अब परमेश्वर का वचन कहता है, जब बलाक ने देखा कि इतने लाखों लोग कंट्री में आने वाले हैं, तब उसने बलाम को कहा, हायर करने की कोशिश की कि सर क्या आप आकर इन लोगों को मेरे लिए कर्ज करेंगे? आप जानते हैं, द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है, बलाम ने कहा, मैं नहीं आऊंगा क्योंकि परमेश्वर ने इन्हें आशीष दी है। और बलाम जानता था ऐसे लोगों का मन कैसे बदला जाता। उसने कहा, सेकंड टाइम फिर से क्वेश्चन किया, उसने कहा, आप आइए, मैं वादा करता हूं हम आपकी बड़ी प्रतिष्ठा करेंगे, हम आपको पैसे देंगे, हम आपको सोने और चांदी देंगे, हम आपको बहुत कुछ देंगे। और आप जानते हो, द बाइबल सेज, वहां पर उसका मन बदल गया। अब वो फिर से खुदा के पास जाता है, लॉर्ड शल आई गो? प्रभु ने बताया क्या कहा, जब मैं आपके से हर एक को एक रहस्य बताना चाहता हूं, आप याद रखिएगा, पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद भी आप अपनी विल की एक्सरसाइज कर सकते हो। बदल मैंने ये समझा नहीं,
ओके, मैं आपको समझाता हूं। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद भी कभी पवित्र आत्मा आपकी इच्छा को अपने कब्जे में नहीं लेगा। वो कभी आपको गुलाम नहीं बनाएगा कि जैसा मैं चाहूंगा तू वैसा करेगा। जी नहीं, वो आपको बताएगा ये सही है ये गलत है। अगर आप कहोगे मैं गलत करूंगा, वो आपका साथ नहीं देगा, जा अकेले जाके कर। लेकिन अगर आपने कहा पवित्र आत्मा मुझे पता है ये गलत है, मुझे नहीं करना है, वो आपका साथ देगा। पवित्र आत्मा से भरने के बाद भी एक व्यक्ति अपने विल की एक्सरसाइज कर सकता है। आप पूरी बाइबल में पढ़िए, हर जगह पे आप पढ़ के देखिए, हमेशा आपको दो शब्द मिलेंगे, पवित्र आत्मा ने लोगों को भर दिया और दुष्ट आत्मा ने लोगों को बांध दिया। आप कभी नहीं पढ़ोगे कि दुष्ट आत्मा ने उन्हें भर दिया और पवित्र आत्मा ने बांध दिया। नो, जब दुष्ट आत्मा किसी को पकड़ता है तो उसकी विल को पकड़ता है, वो उसको जैसा चाहे वैसा चलाता है। लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को भरने के बाद भी उसको स्वयं की इच्छा पे छोड़ता है। अगर आपको किसने गाली दी और आपको गुस्सा आया, अगर आप पवित्र आत्मा से कहोगे ना तू पीछे हट, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला, आज पवित्र आत्मा पीछे हट है, गो गो अहेड, डू व्हाटएवर यू वांट, करो आप, मैं इस काम में आपके साथ नहीं आऊंगा। लेकिन यहीं पर आपने कह दिया ना उससे कि पवित्र आत्मा मुझे गाली के बदले गाली नहीं देनी है, आप मेरी मदद करिए, वो आपकी सहायता करेगा शांत रहने में। ये खूबसूरत स्वभाव है परमेश्वर का। परमेश्वर ने बिलाम को कहा नहीं जाना है, लेकिन जब उसने कहा मैं जाऊं, परमेश्वर जानता था मैं इसको जबरदस्ती नहीं कर सकता, जा, खुदा ने उसे नहीं रोका। आपको पता है कितने सारे विश्वासी लोग इन दिनों में अविश्वासियों से शादियां कर रहे हैं। एक को नहीं रोकता है प्रभु, नॉट ए सिंगल पर्सन, प्रभु मुझे उससे प्यार हो गया है, मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा, मुझे उससे करनी है, करो जब। मेरा एक दोस्त है, उसे उपवास रखे थे एक लड़की को पाने के लिए, प्रभु मुझे ये लड़की चाहिए, मैं भूखा रहूंगा लेकिन मुझे ये लड़की चाहिए। लड़की आ गई, एक साल हो गया है, अब उपवास रख रहा है जाए। उस दिन मुझे मिला, ब्रदर आप कुछ करके दो, मैंने कहा मैं क्या करती हूँ यार, समझाओ उसको, आके गालियां निकाल दी। मैंने कहा तूने मांगी थी, अब आ गया, अब समझा। खुदा से ना जिद मत किया करो, वो दे देगा। क्यों कहती है बाइबल, खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत कर। पता है आप प्रभु को परीक्षा में कब डालते हो, जब वो आपको कुछ नहीं देना चाहता और आप जिद लगा के बैठते हो मुझे चाहिए, आप उसको परीक्षा में डालते और वो आपको दे देगा। कई अपने पास वाले थे, थोड़ा सोच समझ के मांगा, प्रभु मुझे सीए बना, और जैसे सीए की किताबें आ गई, इतनी मोटी मोटी किताब, मेरी कजिन सिस्टर एक बार रो रही थी, बहुत रो रही थी, उसे घर पे है ना खुद को ग्लास मार दिया। मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ, रोने लगती, मैंने कहा रोना बंद कर, पता क्या हुआ, 98% आई। मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है, उसकी 99 मेरे भाइयों वो 99 में रो रही थी, मुझे 99 दो, मैं 3 साल निकाल। हाँ ब्रदर मैं 35 पास कर, मैंने पेड़े बांटे, पेड़े 35 मार्कों पे, पेड़े सब जगहों पे, पास पास पास। लोगों को लग रहा था जैसे मैं सीए कंप्लीट करके आया हूं, उन्हें क्या पता मैंने उम्मीद भी खो दी थी पास होने की। आजकल बड़ा कंपटीशन नेचर है, यू नो कुछ लोग है ना सिर्फ दौड़ में दौड़ रहे हैं, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है। ट्रस्ट मी यार, मैं किसी दौड़ में नहीं हूं, आई जस्ट लिव फॉर जीसस, मैं सिर्फ यीशु के लिए जीता हूं और बहुत खुश रहता हूं। ट्रस्ट मी, मैं आपको भी कहना चाहता हूं किसी दौड़ में मत दौड़,
कहिए अपने बाजू वाले से आप आगे बढ़ो, मैं ठीक हूं जहां आप भी। हर जगह पे कुछ लोगों को आगे दौड़ना है, हर जगह, हर जगह। मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, आप बनिए, मैं जो भी बनूंगा मसीह में बनूंगा। आमीन। आप जानते हैं जब भी बिलाम ने उन्हें 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 बोलने के लिए मुंह खोला, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग ही दी। अब सब यहां देखिए, ये सब हो जाने के बाद अब बिलाम बलाक को एक बात बोलता है, बोलता है सर आप चाहते हो ये लोग श्रापित हो? हाँ मैं चाहता हूं। मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं, सिर्फ वो करो। मैं इनको कर्ज नहीं कर पाया, खुदा ने खुद कर्ज करे। बोला क्या करना? बोला एक जिनावर दो। जिनावर का मतलब होता है दावत। उस दावत में खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां बुला और इनके सामने खड़ी कर दो। ये व्यभिचार करेंगे, खुद खुदा का बड़ा कर्ज। और ऐसा ही यू नो सम यंग पीपल, कुछ जवान जब खूबसूरत चेहरों को देखते हैं और जब उनकी लस्ट भड़कती है, वो उस अभिलाषाओं को कंट्रोल करना नहीं चाहते। हाउ टू मेंटेन योर फीलिंग्स, ये रीजन है वो बार बार उन्हीं उन्हीं गुनाहों में गिरते हैं, सेम पापों में। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी खूबसूरत चेहरे को देखते हैं और आपकी वासना भड़क जाती है, आपको नहीं पता है कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाता। इसराइलियों के साथ यही, और जानते हैं बाइबल बताती है जब उन्होंने ये काम किया वे खुदा की तरफ से श्रापित। आपको पता है आज हम वो लोग हैं 2024 के जो खुदा की तरफ से ब्लेस्ड हुए हैं, पर आपको पता है उसके बाद भी हम इतना संघर्ष क्यों कर रहे हैं? अपनी जुबानों के कारण। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे यहां पर बैठ के देख रहे हैं, आप में से सभी लोग वो हैं जिनको परमेश्वर ने आशीष दी है, पर आपको पता है आप में से बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें आशीष मिली क्यों नहीं है? अपनी आप अपने लिए गलत बात हो। एक नॉन क्रिश्चियन बंदा पहचानता था कि अगर इन लोगों को कर्ज करना है, इन लोगों को हराना है, तो इनको प्रसाद पाना चाहिए। मैं इन्हें नहीं हरा सकता। बाइबल कहती है हम मसीह में आशीषित हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वेयर इज अवर ब्लेसिंग्स? हमारी आशीष कहां है जो खुदा ने हमें दी है? क्यों? क्योंकि हम अपने आशीषों के खिलाफ बात करते हैं। कई बार तो हम अपनी आशीषों को डैमेज कर देते हैं। परमेश्वर हमें देना चाहता है, हम लेते नहीं है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप क्या बोलते हैं खुद के लिए? बाइबल कहती है यीशु मसीह एक सेंचुरियन से मिलता है, एक ऐसे व्यक्ति से जो सूबेदार है। जैसे यीशु उसके घर जा रहा था, वो प्रभु को बाहर ही खड़े होकर कहता है, प्रभु आप यहां पर रुक जाइए, मैं ये डिजर्व नहीं करता कि आप मेरे घर पे आएंगे। आप एक काम करिए, आप यहां से बोल दीजिए, मेरा सेवक वहां चंगा हो जाएगा। आप सोचो वो शब्दों के महत्व को कितना पहचानता था। उसे पता था अगर यीशु नहीं भी आया ना, कोई बात नहीं, यीशु कुछ बोल दे वो पूरा हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस वचन को अपनी भाषा बनाई है? इज दिस योर लैंग्वेज? जब शैतान आपको कहता है कि तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे पास नौकरी नहीं है, तुझे बिल्स पे करने हैं, तुझे पैसे भरने हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस समय आपका मन कहेगा हाँ बात तो सच है, और आप भी ये कहना शुरू कर देते हो कि आपने प्रभु के वचन को अपनी भाषा बनाया है, और आप शैतान से खड़े होकर कहते हो शैतान मुझसे दूर हो जा, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, प्रभु मेरी सारी। क्या आपने खुदा के कलाम को सिर्फ कॉपी में लिख के रखा है कि आपने उसको अपनी भाषा बनाई? कितनी बहनें हैं जिन्हें बच्चे नहीं होते और आप शैतान को आंसर करते हैं जब आपको कहता है देख तेरा बच्चा नहीं है, सबके पास बच्चे हैं लेकिन तेरा बच्चा नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो शैतान को कहते हैं शैतान मुझसे दूर हो,
जब हन्ना और हन्ना की सौतन हन्ना को बोलती थी, हन्ना ने कुछ नहीं कहा, खुदा ने भी कुछ नहीं कहा, परमेश्वर ने हन्ना को इतनी ब्लेसिंग्स दी कि उनकी उसकी बरकतें बात करने लग गई थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज अपने गूंगेपन से बाहर आओ, बोलना सीखो। आप जब तक बोलना नहीं सीखेंगे, शैतान आपके दिमाग को टॉर्चर करता रहेगा। मैं चुप नहीं रहता हूं, मैं बोलता हूं। यीशु हवाओं से बात करता था, यीशु तूफानों से बात करता था, यीशु पहाड़ों से बात करता था, यीशु मुर्दों से बात करता था, सब उसकी सुनते थे। वो आपकी क्यों नहीं सुनेंगे? बहुत सारे लोग हैं यहां पर जो ये बात जानते ही नहीं है, सारा दिन आशीष मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। बाइबल कहती है उसने तुम्हें आशीषें दे दी है, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। सिर्फ परमेश्वर के वचन से अपने लाइफ को ट्यून में लेकर आओ, वचन को भाषा बनाओ अपनी। जब आपका बदन बीमार है, बार बार मत कहो मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। ओ खड़े होके कहो, वही मेरे सारे गुनाहों को माफ करता है और मेरे सारे रोगों को चंगा करता है। यू शुड स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को जो हमने पढ़ा है। क्या मैं आपको एक रहस्य बताऊं? यहां देखिए, जो पीछे आगे बैठे यहां देखिए, आप जानते हैं इससे पहले कि बाइबल लिखी जाए, उससे पहले बाइबल बोली गई। इससे पहले कि बाइबल लिखी जाए, उससे पहले बाइबल बोली गई, बोली गई ताकि लिखी जाए, ताकि फिर बोली जाए। खुदा ने अपना कलाम लिखने से पहले कहा है ताकि जो कहा जाए वो लिखा जाए, ताकि लिखा जाए ताकि फिर से कहा जाए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पूरे झारखंड के अंदर आप पहले नंबर पे आइए कि ये वो लोग हैं जो वचन को बोलते हैं, ये कलाम बात करते हैं, ये वो लोग हैं जो घूंगे नहीं हैं, इनके स्वर्गदूतों के पास बड़ा काम है क्योंकि ये हमेशा बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। यू नो, कुछ लोग का स्वर्गदूत सारा दिन ऐसे बैठा रहता है, कुछ लोगों का एंजल है ना सारा दिन फ्री बैठा। बताओ क्यों? काबी नहीं, रोज सुबह खुदा के पास जाता है, बोलता है आप किस गूंगी के साथ ड्यूटी लगे, कुछ काम ही नहीं देता है, सारा दिन अकेला बैठा रहता है, सोचता रहता है कुछ बोले तो मैं करूं ना, कुछ बोलता ही नहीं है, सारा दिन सोचता रहता है दो का चार कब होगा, चार का आठ कब होगा, आठ का सोलह कब होगा, सोलह का बत्तीस कैसे होगा, बत्तीस का चौसठ कब होगा, चौसठ का 128 कैसे होगा, बस इस तरह गिनती नहीं आती। कुछ लोग बैठे रहते सामने, मैं उनकी शक्लों को देखता रहता, कुछ भी करते रहेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। इधर ही मुझे बता मेरी बहन, अगर आपके रास्ते पे, आपके ऑन द वे जब आप रास्ते में जा रहे हो, कोई आपका एयर रिंग निकाल के जाए, क्या करोगे? बैठे रहोगे? कैसे चिल्लाओगे? भैया भैया जी एक ही है, क्यों लेके गए हो? वापस करो अभी, ऐसा बोलो भाई तेरा कोई फोन लेके जाए, आप फोन पे बात कर रहे हो, आपको पता है ना आजकल फोन भी चुरा लेते, बॉम्बे में रोज फोन चुरा के लेके जाते। अभी अभी ऐसे कवर्स आए हैं कि उसके पीछे कुछ है और उसकी अपनी उंगली उस पर फंसाओ और बात करो कि जब फोन चलाया जाए तो आप भी आ जाओ। लड़ना सीखो लोगों से नहीं, शैतान से, हालातों से। अपने लिए रॉन्ग नबूते करना बंद करिए, जानिए कि जो आप कहेंगे वो होगा, यीशु मसीह नासरी के नाम में होगा। आमीन।
बाइबल बताती है याकूब आया ऐसा की आवाज बोलकर अपने बाप के साथ से सब लेके चला गया। ऊपर से ऐसा भी आ गया, पप्पा मेरी आशीष कहाँ है? अरे तो वो कौन था जो लेकर गया? और तुझे पता है मैंने सब बोल दिया और जो मैंने बोला वो उसे लगा भी होगा। आई सब नो द वर्ड्स, इस साफ जानता था कि जो हम कहते हैं वो होता। हालेलुया। सो कितने लोग आज के बाद अपने लिए सही प्रोफेसियां करेंगे? हालेलुया। अपने लिए राइट भविष्यवाणियां करिए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, डोंट वेट फॉर प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ताओं का इंतजार मत करिए। खुदा जब चाहेगा उनको आपके पास भेजेगा, लेकिन आप खुद अपनी भविष्यवाणी करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप सुबह उठते हैं खुदा के सामने खड़े होकर कहिए, प्रभु आपके वचन में लिखा है हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि आप परमेश्वर हैं। मैं विश्वास करती हूँ ये वो दिन है जब मेरा परिवार उद्धार पाएगा, वो बचाया जाएगा, हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से खुदावंत के पीछे चलेगा। रॉन्ग नबूवतें करना बंद करें। परमेश्वर ने इसराइलियों को आशीष दी थी, श्राप को खुद लेकर आए। आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं आप सब आशीषित हैं। अपनी आशीषों को प्रोफेसी करके रिसीव करिए, न कि उन्हें। आप जानते हो इतना सीरियस है ये सब जो मैं आपको कह रहा हूं कि खुदा को एक बंदे को गूंगा करना पड़ा। आप सभी जानते हैं लूका एक अध्याय में सकर्या नाम के एक बंदे को प्रभु ने गूंगा कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो गलत बोल रहा था। अंडरस्टैंड The impact of words. आज के बाद अगर आपको कोई भी बहन मिलती है और इधर उधर का बात करती है, बोलो इधर उधर का। मिलती है ना बहुत सारी बहनें, हाँ? आपको पता है ना बहुत सारी बहनें चर्च के बाद अपनी पंचायत लगाती है, हाँ? बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी, क्या हुआ बहन? कांदा कितने का था? 15 रुपए, 12 का था ना पहले तो? अच्छा, उसके बाद दूसरी बातचीत, तेरी सांस कैसी है? अच्छी है, मरती नहीं है अभी, फिर चालू हो गया। फिर उसके बाद तेरा पति कैसा है? मेरी जीवन की आखिरी गलती है। अच्छा, आपके बच्चे आफत है, आफत मेरे बच्चे। बहुत सारी बहनें ना मीटिंग के बाद अपना पंचायत लगा दी। आज के बाद कोई भी आपको कहे ना सब कैसा है, बोलो सब अच्छा है। बोलो बाजू को सब अच्छा है। चलो मेरी बहनों जोर से बोलो, मीटिंग के बाद, हम आज के बाद हम कोई पंचायत नहीं लगाएंगे, सीधा कर जाएंगे, नारे लगाते लगाते जाएंगे कि हमारा खुदा महान है। कुछ बहने मुझे गुस्से में देख रही, कोई बात नहीं, कल आप मुझे प्यार करोगे कि आप सही बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं अपने चर्च में हमेशा कहता हूं, जब भी वचन पूरा होता है और आप घर की तरफ जा रहे हो, उस सुने हुए वचन के बारे में चर्चा करते हैं, उसको बिल्ड करो, उसको डिस्ट्रॉय मत करो। समझ पा रहे हो? आज यहां से निकलेंगे तो क्या बातचीत करेंगे? वचन के बारे में, आराधना के बारे में, ओ किसी खुदा के खादिम के लिए बात करिए, लेकिन उन लोगों से दूर रहिए जो आपके बीजों के ऊपर मट्टी लाते हैं। आज सुबह भी मैं कह रहा था, शैतान के पास बहुत लोग हैं आपके अंदर से वचन चुराने के लिए, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। मैं अपने वर्ड को यहीं पर कंप्लीट कर रहा हूं।